गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू? नाइस, ओके, दैट्स गुड. टुडेज आई एम एक्सप्लेन द यूज ऑफ ए और ए एन, यानी आज हम सीखेंगे ए और ए एन के बारे में कि कहाँ पे हमें ए लगाना है और कहाँ पे ए एन लगाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन अल्फाबेट्स देर आर 26 लेटर्स, यानी अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स के टू पार्ट्स होते हैं, यानी अल्फाबेट टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट पार्ट्स होता है वॉवेल. वॉवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे भाई वॉवेल्स होते हैं. एंड जो बाकी बचते हैं लेटर बी, सी, डी, एफ, दैट्स ऑल, ये हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. अब आपको ये सीखना है कि किस जगह पे हमें ए लगाना है और किस जगह ए एन यूज करना है. जब हमारा स्पेलिंग, किसी भी वर्ड की स्पेलिंग, फर्स्ट जो लेटर होते हैं, जैसे यहाँ पे ए डबल जी एग, जैसे ये लेटर है ई डबल जी एग, इसकी स्पेलिंग जो होती है वो फर्स्ट लेटर स्टार्ट है वॉवेल से. ई हमारा क्या होता है? वॉवेल. अब इसको हम चेक करते हैं, फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो वॉवेल के साथ हमें क्या यूज करना है? ए एन, एन यूज करना है. यानी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए एन एन, ए एन एन यूज करेंगे. इसी तरह नेक्स्ट है सी ओ डबल एफ डबल ई, कॉफी. कॉफी की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? सी से, यानी फर्स्ट लेटर ही चेक करना होता है हमें. सी हमारा किस में पड़ेगा? कॉन्सोनेंट में पड़ता है, इसलिए कॉन्सोनेंट के साथ हम ए लगाएंगे. इसलिए यहां हम क्या लिख देंगे? ए. नेक्स्ट है वॉवेल, आउल है, ओ डब्ल्यू एल, आउल. आउल यानी ओ भी हमारा स्टार्टिंग है, वॉवेल है, इसलिए वॉवेल के साथ हमें क्या लगाने हैं? ए एन एन यूज करना है. नेक्स्ट है हाउस, एच से स्टार्ट है यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज करने हैं? ए. नेक्स्ट मंकी, मंकी की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? एम से. एम भी हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? ए. नेक्स्ट एलिफेंट, एलिफेंट जो है किससे स्टार्ट है? वॉवेल से स्टार्ट है, यानी ई हमारा वॉवेल होता है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? वॉवेल के साथ ए एन एन, एन यूज होगा. नेक्स्ट लॉयन, लॉयन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? एल से. एल हमारा किस में आएगा? कॉन्सोनेंट में आएगा, इसलिए कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाएंगे? ए. नेक्स्ट है ऑक्स, ऑक्स यानी ओ, ओ से स्टार्ट है, इसलिए क्या हो गया? वॉवेल. वॉवेल के साथ क्या लगाएंगे? ए एन एन. नेक्स्ट जग, जग की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? जे से, इसलिए जे हमारे किस में आता है? कॉन्सोनेंट में होता है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाएंगे? ए. नेक्स्ट है कैट, कैट की स्पेलिंग सी से स्टार्ट है, इसलिए भी कॉन्सोनेंट हुआ, तो कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाएंगे. यानी आज आप सीखे हैं ए एंड ए एन, यानी वॉवेल के साथ हमें ए एन एन यूज करना है एंड कॉन्सोनेंट के साथ ए यूज करना है. ओके, थैंक यू.